आयसर वाले बच्चों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो आपने सभी ने देखा होगा कि आयसर की जो सिक्स राउंड है वो उसकी डेट रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी। जस्ट 5 दिसंबर है आई थिंक, ठीक है, 3 दिसंबर, ठीक है। और 5 दिसंबर तक आपको जो है इसका पेमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस है वो करना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी कि भैया क्या स्पोर्ट राउंड होगा, क्या ये स्पोर्ट राउंड है? तो यार एक्सेप्टेड कर रहे हैं, ठीक है, ये माना जा रहा है कि इसके बाद एक राउंड और हो सकता है SCB चैनल का। ओके, तो जस्ट जो KUPY चैनल है उसका तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अभी। ओके, देन IIT JEE एडवांस जो होता है उसका 2 दिसंबर को एक अलॉटमेंट थर्ड वाला आ रहा है, और इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है, और इसका भी लास्ट आ रहा है। अब यार जो KUPY की जो सीटें बचेगी वो तो जस्ट इसमें मर्ज हो जाएगी SCB में। ये जो JEE एडवांस की सीटें बचती है ये भी जो है अब मान सकते हो कि 7 तारीख या 8 तारीख को फिर से एक राउंड, या फिर 7 राउंड, या फिर आप उसको स्पोर्ट राउंड भी मान सकते हो, या फिर ये इसको भी आप स्पोर्ट राउंड मान सकते हो 6 राउंड को, ठीक है। गारंटेड नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका 7th राउंड या फिर स्पोर्ट राउंड 6 के बाद, या 7, 8 या 9 को मान सकते हो, ठीक है, 7 को तो नहीं आ सकता, 8 या 9 तारीख तक मान सकते हो कि एक राउंड फिर से रिलीज किया जाए SCB चैनल का। JEE एडवांस और KUPY की जितनी भी सीटें बचेगी, ठीक है, 150 से 170 180 सीटें जो भी बचती है, ठीक है, बचेगी नहीं वैसे JEE एडवांस का, ये जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा भर जाएगी, लेकिन हाँ कुछ सीटें बचेगी, ठीक है, सो तो मान ही सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो जस्ट वो जो सीटें हैं वो IIT चैनल जो SCB होता है इसके अंदर फिल की जा सकती हैं। तो यार जस्ट गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एक राउंड और रिलीज हो सकता है SCB चैनल का। ओके, देन जो KUPY का ऑलमोस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो गया है, फाइनल राउंड था जो ये 24 नवंबर को जो आया था। ओके जैन, अब अपन बातें करते हैं कि यार बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी, भैया आप बोल रहे थे कि 50 नंबर पे, 45 नंबर पे मिलता है, 42 नंबर पे मिलता है। ओके, तो यार अगर अपन बात करें पिछले साल की, तो आयसर बेरमपुर जो है वो 42 मार्क्स पे 42 नंबर पे मिला हुआ है। इस साल की अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की पोजिशन, अगर अपन बात करें तो अभी जो है 2000 पे चल रहा है यार, 2200 पे चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों की रैंक जो एटलीस्ट 2 बच्चे हैं उसकी पोजीशन अभी चल रही है 4200 4300 4400, 5000 से कम है। तो इन बच्चों की यही डिमांड थी कि क्या हमें कोई आयसर बेरमपुर ही मिल जाए, ठीक है। आयसर बेरमपुर वैसे कोई बड़ा नहीं, मतलब खराब नहीं है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कुछ इश्यू के कारण बहुत सारे बच्चों ने इसमें अंदर सीटें लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कारण उसका थोड़ा रेशियो गिर रहा है। तो मतलब आप लोग आयसर बेरहमपुर को ऐसे हल्के में ना ले। ओके, ऑल आयसर्स आर गुड। अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, फीस को पे करो और एडमिशन लो। आयसर बेरहमपुर से इतना बड़ा कैंपस है जितना बड़ा किसी के पास, किसी भी आयसर के पास नहीं है। वो मतलब अच्छी फैकल्टी है, अच्छा डिपार्टमेंट है, तो यू कैन गेट एडमिशन। अगर तुमको आयसर बेरहमपुर मिल रहा है तो आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यार, 5वां जो राउंड आया था, जनरल कैटेगरी की कंडीशन बड़ी खराब है, 2200 पे ही अटक के रह रहा है। SC कैटेगरी वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 13000 14000 रैंक है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएगा। ST कैटेगरी का जो है 20000 तक जा सकता है, EWS 10000 तक जा सकता है, और कश्मीरी माइग्रेंट तो 5000 6000 5000 तो क्रॉस हो ही जाएगा, ठीक है। तो जस्ट जनरल कैटेगरी वालों का ही प्रॉब्लम चल रहा था यार, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे है अभी ये कंडीशन, 2200 पे चल रहा है अभी। OBC वाला एटलीस्ट 4800 पे है, और SC कैटेगरी वाले जो है 13 14 हजार तक आसानी से जाएगा। ST कैटेगरी जो है 20 हजार तक चला जाएगा, EWS जो है 10 हजार तक चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यार जस्ट घबराए नहीं, अभी तो और जिन बच्चों को आयसर मिला हुआ है, किसी को आयसर बेरहमपुर मिला है, किसी को आयसर भोपाल मिला है, ठीक है, तो उनको जस्ट फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट 6 में आ जाएगा कुछ, ठीक है स्टूडेंट। तो जस्ट यार ये वीडियो था, और हाँ ऐसा मान सकते हैं कि 7th राउंड भी आ सकता है SCB चैनल का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यार 2 राउंड बढ़ गए वैसे बहुत सारे बच्चों के, तो यही था कि
कि भैया तीसरे राउंड पे ही करने लगे थे कि तीन राउंड खत्म हो गए खत्म हो गए। तो फोर्थ आ गया, फाइव भी आ गया, अब सिक्स आ रहा है, सेवन्थ भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एंड मोमेंट तक लड़े, कुछ ना कुछ मिल जाएगा वैसे। ठीक है, अभी भी सीटें वेकेंट है, ठीक है, उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ सीटें अभी पड़ी है, ठीक ठाक सीटें अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें सीट की कंडीशन, तो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे सीटें भी रिलीज हो चुकी है अभी। ओके, देख सकते हो ये फोर्थ की कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, फोर्थ की कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, आयसर भैरमपुर 56 सीट्स, भोपाल में तो कम ही है, कोलकाता में भी कम है, मोहाली में 11 सीटें हैं, पुणे में यार फोर्थ में तो दिखा रहा भर चुकी है, लेकिन अभी फाइव में दो तीन बच्चों को मिला था। ठीक है, और तिरुपति के अंदर 27 सीटें हैं, और ये जस्ट देख सकते हो सबसे ज्यादा भैरमपुर के अंदर ही है। ओके, तो बस ठीक है, अभी अभी दो राउंड अभी बचे हैं यार। ठीक है, सातवां राउंड भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और एंड मोमेंट तक लड़े, और यार जिन बच्चों को आयसर मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है, और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करना है, चाहे वो जस्ट नीट के तो अवेलेबल नहीं है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नीचे लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, वहाँ पे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाए। ठीक है, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और बता देगी कि तुम्हारे लिए आयसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अब कौन कौन से अच्छे CSEB या फिर जो भी अच्छे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज भी अवेलेबल है, जो कि NIT के लेवल के कॉलेज हैं, तो जैसे IKA गुजराल है, MRS है, MBM जोधपुर है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं दिल्ली के अंदर, कुछ है गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है, UP में भी है, ठीक है, मद्रास में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है। तो जस्ट नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल कर सकते हो, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाना होता है, अपनी जो भी बेसिक डिटेल वगैरह डालनी होती है, उसके बाद जैसे ही फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, विद इन 3 to 4 hours के अंदर आपको कॉल बैक आ जाएगा, अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल ठीक से डालें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड मोमेंट तक लड़े, ऐसे जरूर मिले आपको, थैंक यू।